हाय पीपल, कैसे हैं आप? मेरे को बहुत अच्छा लगा, मेरा जो सिट्रॉन का रिव्यू था, कार का रिव्यू था, आप लोगों ने उसको बहुत पसंद किया। एंड नियर अबाउट अभी हम लोगों ने चेक किया, वो 5000 व्यूज क्रॉस कर चुका है। तो ये थैंक यू ऑल। और उसी रिव्यू के साथ साथ आज हमने सोचा कि हम अपनी स्कूटी, जिसको हमने दो ब्लॉग में मैंने बोला कि हम स्कूटी से जा रहे हैं छठ पूजा का देखने के लिए, हम स्कूटी से गए कार्तिक पूर्णिमा सेलिब्रेट करने के लिए, तो क्यों ना हम आज उस स्कूटी का ही रिव्यू कर दें। तो हमारे पास है TVS Ntorq 125 और ये हमने 4 साल पहले ली थी 2018 सेकंड अक्टूबर के दिन, और बहुत ही अच्छी गाड़ी है। क्योंकि मेरे को तो स्कूटी चलाने आती नहीं है, मैं कार ही चलाती हूँ तो मैं ना अपने हस्बैंड को बोलूँगी, तो लेट मी इंट्रोड्यूस टू यू माय हस्बैंड उमा शंकर, से हाय। तो ये अभी आज का ब्लॉग इनके नाम, आज ही आपको पूरा रिव्यू देंगे स्कूटी का TVS Ntorq 125। सेकंड अक्टूबर, जैसे कि इन्होंने बताया, सेकंड अक्टूबर 2018 को हम लोगों ने इसको लिया था। और इस 4 साल के अंदर अपनी एक्सपीरियंस में आपको बताता हूँ, बहुत ही बढ़िया स्कूटी है। रिव्यू सुनिए और देखिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, और कोई सजेशन हो, कोई और चीज़ पे आप देखना चाहते हैं रिव्यूज़ व्लॉग्स, हमको सजेशन दीजिए कमेंट बॉक्स पे। मज़ेदार बात है, उनको कार चलानी आती है लेकिन अभी तक कभी वो स्कूटी चलाई नहीं है। सो अभी तक सिर्फ मैं ही ड्राइवर बन के ही गाड़ी चलाता हूँ, वो सिर्फ पीछे ही बैठते हैं। सो यहाँ पे आज मुझे आशा ने बोला कि अभी जो स्कूटी मैं चला रहा हूँ उसकी एक रिव्यूज़ आपको दूँ। ये रही वो स्कूटी TVS Ntorq 125। इसके जो इंजन जो है 125cc 3-valve इंजन दिया गया है। सो आइए उसके ऊपर और बात करते हैं। सेकेंड अक्टूबर 2018 को हम लोगों ने गाड़ी लिया था और लगभग 2022 तक ये 4 साल कंप्लीट हो चुके हैं, इस सेकेंड अक्टूबर को कंप्लीट हो गया है। और इस 4 साल के अंदर मैं अपनी रिव्यूज़ दूँ अगर इस TVS Ntorq के बारे में, सबसे मज़ेदार चीज़ है कि स्कूटी में आपको बाइक का मज़ा मिलता है। और कहीं पे भी आप जाते हैं ट्रैफिक के अंदर, तो इसमें क्या होता है कि इसके साउंड जो है, इसके साइलेंसर, मैं उसको स्टार्ट करके भी दिखाऊंगा उसको। और इसके जो पिकअप तो अच्छा है ही, बाइक की तरह इसका पिकअप है क्योंकि 125cc ही दिया है, इसीलिए शायद यंग मास में ये गाड़ी अभी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ है, काफ़ी ज़्यादा इसकी डिमांड आ रही है। और लगभग देखा जाए तो ईयर टू ईयर इसकी जो सेल्स भी अभी बढ़ रही है। तो आइए मैं अभी दिखाता हूँ आपको। तो अभी तक हम लोगों ने जो ड्राइव किया है, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि करीबन यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे इसका जो टेकोमीटर जो है, ये डिजिटल टेकोमीटर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, 15,850, मतलब 16,000 के आसपास हम लोग इसको चला चुके हैं। और इसमें सबसे अच्छी चीज़ ये है कि ये ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ इसका टेकोमीटर आता है, और आप जहाँ पे भी इसको ड्राइव करते हैं तो वहाँ का पूरा ट्रैकिंग आप कर सकते हैं। इसका एक एप्लीकेशन आता है गूगल प्ले स्टोर में, TVS कनेक्ट करके उसमें पूरा ट्रैकिंग आप उसको कर सकते हैं। सो ये रहा गाड़ी का जो न्यू फीचर जो है, यानी कि पहली बार शायद स्कूटी में ये फीचर TVS इसको लेके आया था, और शायद इसीलिए शायद यंग मास को ये ज़्यादा पसंद आया है। उसके बाद तो अभी शायद और भी गाड़ियों में ये सब आ चुका है, लेकिन इस 4 साल के अंदर अपनी एक्सपीरियंस बताऊं, गाड़ी बहुत ही अच्छी है। मेंटेनेंस ज़ीरो मेंटेनेंस, सिर्फ आपको जो है टाइम टू टाइम जो उसकी जो इंजन ऑयल चेंज करनी होती है वही करते हैं। और गाड़ी हम लोगों ने इसलिए लिया था क्योंकि जब हम लोग मार्केट वगैरह जाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि पार्किंग की इशू बहुत ज़्यादा रहती है, और इस पार्किंग के इशू की वजह से होता क्या है कि बड़ी गाड़ी लेके जाएंगे तो उसमें क्या होता है कि कार वगैरह वहाँ पे पार्किंग कर नहीं सकते, तो इसलिए हम लोगों ने स्कूटी लिया था, और इसी स्कूटी को लेने का यही मकसद था। सो इसको आप देख सकते हैं, इसकी जो डिज़ाइन जो है बहुत ही काफ़ी अच्छा डिज़ाइन है, और एरोडाइनमिक डिज़ाइन इसमें दिया गया है। और यहाँ पर उसकी बैजिंग जो है आप देख सकते हैं, Ntorq 125 की बैजिंग है, और इसमें कुछ क्रोम बैजिंग में उसमें यहाँ पर 125 लिखा हुआ है। और इसके साथ आप देख सकते हैं इसकी जो फ्यूल टैंक जो है इसके पीछे दिया गया है, और उसको खोलने के लिए आपको पूरी सीट जो है उसको खोलने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पे दिखा सकता हूँ, यहाँ पे इस साइड पे अगर हम लोग चाबी लगा के यहाँ पे अगर राइट साइड में ये करते हैं तो उसका सीट के अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा स्पेस आपको यहाँ पर मिल जाएगा। यहाँ पर एक पूरी हेलमेट आपको आ सकती है, यहाँ पर पूरी हेलमेट आपका आ जाएगा, और उस पर और दूसरा जो है यहाँ पे दूसरे साइड अगर खोलते हैं तो ये देखिए फ्यूल टैंक का कैप जो है यहाँ पे खुला है, तो ये एक अच्छा फीचर है।
और एक बढ़िया फीचर मैं आपको दिखाता हूँ इसके अंदर जो है, यहाँ पे देखिए एक चार्जिंग सॉकेट दिया गया है, जहाँ पे आप यहाँ पे देखिए एक चार्जिंग सॉकेट दिया गया है। इस चार्जिंग सॉकेट की वजह से आप वहाँ पे मोबाइल चार्ज कर सकते हैं और उसके आप डाटा केबल ले लीजिए, चार्जिंग केबल, और उसमें आप कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए एक लाइट दिया गया है, यहाँ पे अगर दिखाई पड़ रहा होगा तो यहाँ पे देखिए एक LED लाइट यहाँ पे है, तो उसकी वजह से रात में अगर आप जो है यहाँ पे देख सकते हैं, ये एक अच्छा चीज़ है। मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा इस गाड़ी को लेकर, मुझे ज़्यादा इस पर कुछ खर्चा नहीं आया 4 साल के अंदर। अभी तक इस गाड़ी की डिमांड है, और अगर कोई अभी इस फेस्टिव सीजन में अगर स्कूटी को लेना चाहता है तो इसके बारे में वो सोच सकते हैं, जिसको पिकअप जो थोड़ा चाहिए और थोड़ा सा लॉन्ग रन के लिए अगर उसको आप आराम से उसको लेके जा सकते हैं। दिस इज़ इट। और एक बार आप देख सकते हैं चारों तरफ उसकी, देखिए बहुत ही अच्छी यहाँ पे ग्राफिक्स वगैरह दिया गया है। इस साइड में यहाँ पे TVS की बैजिंग, यहाँ पे एक दिया गया है स्मार्ट एक्स कनेक्ट करके, और राइट साइड में भी वैसे ही ग्राफिक्स है, 125 करके बैजिंग है। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे इस साइड पे आपको देख रहा होगा, यहाँ पे क्रोम की बैजिंग है। और इसका साइलेंसर आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, यूनिक साइलेंसर इसका है, CVT-RE करके उसका जो इंजन का जो है वो दिया गया है। ये देख सकते हैं, ये हम लोग शूट कर रहे हैं रात को इसलिए क्योंकि आपको ये यहाँ पे विजिबल ये होगा। लेफ्ट साइड में ये जो ग्रीन इंडिकेटर आप देख रहे हैं, ये फ्यूल की माइलेज जो है वो इकोनॉमिक मोड पे चल रहा है। और थोड़ा सा अगर आप उसको एक्सीलरेटर हाई करते हैं, जैसे ये देखिए, अब ये देखिए यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा ऑरेंज कलर, जबकि यहाँ पे फ्यूल कंजम्पशन ज़्यादा हो रहा है, तो आपका माइलेज यहाँ पे कम दिखा रहा है। तो यहाँ पे इस वीडियो को शूट करने का यही रीज़न था कि आपको यहाँ पे दिखा सकें, इसमें ये है कि इंडिकेटर दिया जाता है, आप जान सकते हैं। बाकी ये TVS की जो गाड़ी है, ये हमने जो इसकी रिव्यूज़ दिए हैं इसके ऊपर आप कमेंट्स अपनी दे सकते हैं। ओके, सो दिस इज इट। ओके, टेक केयर, बाय बाय।